Very good morning of all of you. So today we will start class 8, chapter number 7, exercise 7.2, question number 1. In previous video we have discussed about 7.1. So first question is that find the three consecutive positive odd integer whose sum is 45. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तीन नंबर ऐसे लेना है जो कंसेक्टिव हो. कंसेक्टिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले, लेकिन वो नंबर ऑड होने चाहिए, ठीक है, जिनका सम आपस में 45 है. तो हम तीन नंबर लेंगे. फर्स्ट नंबर हमने लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स प्लस 1, ठीक. सेकेंड नंबर हम लेंगे एक्स प्लस 3, और थर्ड नंबर हमारा होगा एक्स प्लस 5. ये तीनों ऑड है, 1, 3 एंड 5, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 45 है, तो इनको प्लस करते हैं हम. यदि x प्लस 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 45. x से x से x तो 3x हो गया, 5, 3, 8 और 1, 9 हो गया, इज इक्वल टू 45. 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 9, ठीक है, यहां बन गया 36. x is equal to 36 divided by 3, so x is equal to 12, ठीक. तो यहां पर क्या आया, x की वैल्यू 12 आएगा. अब x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 3, सॉरी 15, 12 प्लस 5 17. तो देखिए आपके पास थ्री आंसर आए, 13, 15 एंड 17, तीन पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और कंजेक्टिव कंटिन्यू आ रहे. तो ये आपका आंसर होगा, इस्तेमाल आपको ये प्रोसेस यहाँ पर करनी है. एज इट इज आपका दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन में इवन नंबर है, थ्री कंजेक्टिव पॉजिटिव इवन इंटीजर जिनका सम आपको लेना है 36. तो यहाँ पर इवन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑड होंगे, ठीक, इवन होंगे. तो इस टाइप से आपको करना है, प्रोसेस यही रहेगी. क्वेश्चन नंबर 2 ठीक क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, आप ट्राई कीजिए. यदि नहीं आता है तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग देयर प्लेस ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 27 मोर देन द गिवन नंबर. फाइंड द नंबर. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आगे की जो हमारी क्लास है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ये आता रहता है क्वेश्चन, 10th क्लास में है, 9th क्लास में है. तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि आपको टू डिजिट का एक नंबर बनाना है. तो टू डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम वंस प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों नंबर सिलेक्ट करना है कि यूनिट डिजिट का नंबर कौन सा होगा और टेंस प्लेस का कौन सा होगा. तो जैसा कि उसने बोला है कि दो डिजिट का सम जो है वो 9 है, ठीक. तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट द यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स, फर्स्ट प्लेस का नंबर एक्स है, तो ये ले लिया. अब दूसरे का हमें पता नहीं क्या है और दोनों का सम कितना है, 9 है, तो ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर हमें पता चल जाएगा. तो दूसरा नंबर क्या होगा, लेट द सेकंड नंबर इज 9 माइनस एक्स. क्लियर, यहां तक समझ में आ गया. सम जो भी लेंगे उसे उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा. तो ये हमें फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का नंबर मिल गया. अब हमें नंबर बनाना है टू डिजिट का. जो तो जैसा मैंने बताया कि वंस प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस पे 10 का. तो लेट द टू डिजिट नंबर इज, वंस प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई किया, ये वंस प्लेस का नंबर है, और टेंस प्लेस पे 10 का मल्टीप्लाई किया, ये टेंस प्लेस का नंबर है. तो 10 9 10 10 x 10 x 90 माइनस 10 x में से x गया 9 x, तो ये आपका नंबर बन गया, ठीक है. टू डिजिट का आपका नंबर बन गया. क्या बना नंबर, 90 माइनस 9 x. अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि हम डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं, उनकी प्लेस बदल देते हैं, तो हम यदि प्लेस बदलते हैं तो क्या होता है,
नाउ इंटरचेंज देयर प्लेस, तो प्लेस बदलने का किसकी प्लेस, डिजिट की, ये जो एक्स है वो यहाँ आ जाएगा और ये 9-x से यहाँ आ जाएगा। देखिए एज इट इज मैंने लिखा, तो क्या होगा 9-x में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 10 में x का होगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 9x+9। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा गेम नंबर था इंटरचेंज करने का। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, लास्ट लाइन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि द नंबर फ्रॉम द इंटरचेंजिंग द ऑर्डर, जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे द डिजिट इज 27 मोर देन द गिवन नंबर, तो डिजिट जो आपको मिलेगी वो 27 ज्यादा होगी किससे, दिए गए नंबर से। कौन ज्यादा होगा, ये जो गिवन नंबर है ये ज्यादा होगा किससे, इस नंबर से। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इस नंबर में 27 प्लस करना होगा। हम क्या करेंगे, 90-9x+27 = दोनों को बराबर करने के लिए मैंने यहां पर ये ज्यादा था 27 तो इसमें 27 बढ़ा दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ये 9x उधर जाएगा, 27 97 7 9 2 11, ठीक है, -9 = 9x + 9x, टोटल कितना हो गया 18x, ठीक है। यहां पर दोनों को माइनस करेंगे हम क्योंकि ये 9 इधर आया, 7 में से 9 गए 8, यहां पर 0 1 108, ठीक। अब यहां पर 108/18 = x, 18 का टेबल लेंगे 6×9 = x, तो यहां पर x की वैल्यू आपकी कितनी आई 6, और x हमने क्या लिया था यूनिट प्लेस का नंबर, तो टेंस प्लेस का नंबर क्या था 9-x मतलब 9-6, ठीक, तो 9-6 कितना हो गया 3, तो ये आपका कौन सा नंबर आ गया सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका 6 था, सेकंड नंबर 3 था, तो नंबर इज जो उसने पूछा था 36। कैसे, यूनिट प्लेस का नंबर 6 था इसलिए यूनिट प्लेस पे लिखा, टेंस प्लेस का नंबर 3 था इसलिए टेंस प्लेस पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर, आपका फाइनल आंसर इज 36। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप बार बार रिपीट करिए, ये क्वेश्चन को मन से करने की कोशिश करिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सब कुछ था, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप लाइव क्लास में बता सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।